वह उस लड़की के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानती नहीं कि ये जंगल कितना खतरनाक है? उस लड़की ने पीछे पलट कर देखा तो माधव जैसे उसे देखता ही रह गया। उसे अपनी कोई सुध ही नहीं रही, वो उसे एक तक देखता ही रह गया। बला सी खूबसूरती थी उसकी, दूध जैसा सफेद रंग, हल्के गुलाबी होठ, छरहरी काया और बदन से निकलती हुई मन को मदहोश कर देने वाली सुगंध और शहद के जैसी मीठी आवाज। उस लड़की ने कहा, डर किस बात का, ये भी तो प्रकृति का हिस्सा है। अचानक से माधव को होश आया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने कहा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने आई थी, प्रकृति की सुंदरता देखी तो सोचा थोड़ी देर यही समय बिताया जाए। कितना शांत है ना, सब कुछ शहर की भीड़ भाड़ से दूर है ना। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारे दोस्त कहाँ है? अचानक से उस लड़की को अपने दोस्तों के बारे में ध्यान आया और वो बोली, अरे मेरे फ्रेंड्स कहाँ गए, अभी तो यही थे। वह परेशान सी हो गई। तभी माधव बोला कि आप परेशान ना हो, मैं आपको आपके दोस्तों से मिलवा दूंगा, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए। अभी अंधेरा होने वाला है और ये जंगल भी खतरनाक है। वह लड़की उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी कंडक्टर की आवाज आई, अरे साहब, जंगल में ही रहने का इरादा है क्या? चलना नहीं है क्या? कंडक्टर की आवाज से माधव का ध्यान भंग होता है और वह उस लड़की को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी कंडक्टर माधव से पूछता है कि यह लड़की कौन है साहब, और आपको कहाँ मिली? माधव कंडक्टर को कहता है कि यह लड़की अपने दोस्तों से बिछड़ गई है और जंगल में खो गई थी, इसीलिए मैं इसे अपने गांव लेकर जा रहा हूं और कल इसे इसके दोस्तों से मिलवाने के लिए बस में बिठा दूंगा। कंडक्टर माधव से कहता है कि साहब यह जंगल है। आपको यहां पर सावधान रहना चाहिए। जिस लड़की को आप जानते भी नहीं हो, उसे अपने साथ लेकर जा रहे हो। इस जंगल में बहुत सी बुरी आत्माओं का साया है, इसलिए आपको मेरे सलाह मानकर इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। इस पर माधव कहता है कि अरे भाई, इसका भी किराया ले लेना, बस इसे हमारे साथ चलने दो, क्या पता इस जंगल में इसके साथ क्या हो, और यह बहुत जरूरतमंद भी है, इसलिए हम इसकी मदद करनी चाहिए। कंडक्टर माधव से कहता है कि साहब, मेरा काम आपको सावधान करना था, अगर आप फिर भी इसको अपने साथ ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो, आगे आप जानो और आपका काम। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा करें, और इसी प्रकार की और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।